शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं जाम साहब का, उसके टीम मेंबर्स का, पीएनडी का, हमारे बुज़दार साहब उनके साथ थे, फाइनेंस मिनिस्टर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ एक आवाम दोस्त बजट पेश करने पे। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में पश्तून बेल्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट में मुसखेल और शेरानी आते हैं। तो अगर देखा जाए ग्राउंड रियलिटी पर, ये एक खैबर पश्तूनख्वा के साथ बॉर्डर है, दूसरा पंजाब के साथ है। तो आज मुझे अफसोस हुआ, हमारे ओपोजिशन के एक साथी ने कहा कि मुसखेल का जो नुमाइंदा है वो सादा है और उनको जो है सिर्फ 16 के 18 करोड़ रुपए मिला हुआ है, 14 करोड़ रुपया। आप अपनी जगह पर चैलेंज कर ले, मगर मैं आपके तवज्जुह से उनको भी बताना चाहता हूं और पूरे बलूचिस्तान को बताना चाहता हूं कि 2 साल अभी तक पूरे नहीं हुए, मगर मुसखेल और शेरानी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर भी मुतमईन है और जो बजट में तरक्याती मंसूबे आए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम और दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोग भी उस पर मुकम्मल खुश है और इत्मीनान उन्होंने ज़ाहिर किया हुआ है। जनाब स्पीकर, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे जो बड़ा मसला था मुसाखेल का, यहाँ गैलरी में दो हमारे सीनियर ऑफिसरान भी डिस्ट्रिक्ट के बैठे हुए हैं, बुज़दार साहब हैं और लालजान जाफर साहब हैं। यहाँ से किंगरी हम लोग जाते हैं तो हमें इतना इशू नहीं होता था, किंगरी से फिर मुसखेल तक और वहाँ से फिर आगे जब हम N50 के लिए जाते थे संगर तक, तो हमें इतनी मुश्किलात होती थी कि वहाँ कोई ऑफिसर भी नहीं जाता था खुशी से, ना इलाके के लोग वहाँ मतलब कि आसानी से जा सकते थे, हमारे लिए भी बहुत बड़ा इशू था। तो इस रोड के लिए 2 साल फेडरल PSDP में मैंने कोशिश की, वहाँ है भी हमारी गवर्नमेंट, मगर अफसोस के साथ वहाँ से हमारी स्कीम ड्रॉप हो गई। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बलूचिस्तान की जो PSDP में मुसखेल किंगरी वाला रोड भी आया हुआ है और अपोजिशन के लोग ठीक है, उनका ये हक बनता है कि वो PSDP पर भी बात करें, हमारी कारगर्दी भी बात करें, मगर अफसोस इस बात का होता है कि वो हमारे हल्के के लोगों को मायूसी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं तो इस सोच और गुमान में था कि वो मुझे मुबारकबाद पेश करेंगे कि मुसखेल और शेरानी पसमानदा दो अजला है, उनके लिए एक अच्छा बजट इस दफ़ा रखा गया। हमारा एक हल्का ज़िमरी पलसिन जिसे कहते हैं, दानासर से भी आगे खैबर पश्तूनख्वा में आप 5 किलोमीटर जब जाएंगे वहाँ से रास्ता आता है, 35,000 उसकी आबादी है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 70 सालों में उनके लिए रोड नहीं था और उस हल्के के लोग अपने मुर्दों को रस्सी से बांधकर कब्रिस्तान तक पहुंचाते थे। तो इस दफ़ा जाम साहब की मेहरबानी से वो रोड भी इस PSDP में आ गया। इनको मैं इतना हमारे साथी हैं, मेरे मोसिस हैं, मगर उसने जो कहा कि 16 करोड़ 15 करोड़ का तो सिर्फ शेरानी में शिनगर का एक डैम इस दफ़ा रखा गया। हमारे भी कुछ इस तरह के स्कीमात थे जो ड्रॉप हो गए। यकीनन हालात जो चल रहा है पूरी दुनिया में COVID-19 की वजह से, हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि हल्के के हवाले से, जाम साहब को मैंने ये बताया था कि शेरानी में हमारे लिए गर्ल्स कॉलेज बहुत ज़रूरी है, इस दफ़ा ड्रॉप हो गया, मगर फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हम आगे उसको जो है PSDP में डाल दें। मुसखेल कॉलेज जो था 1989-90 में बना हुआ था, अब तक इंटर था, इस गवर्नमेंट ने जाकर डिग्री का दर्जा दिया, जाम साहब ने किया। डिस्ट्रिक्ट शेरानी 2004 में डिस्ट्रिक्ट बना था, मगर टाउन कम्प्लेक्स अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ था, इस गवर्नमेंट में जाकर वो लोग गए मीरा अली खेल में शिफ्ट हुए और वहाँ काम शुरू हुआ। इसी तरह फेडरल में हमारी ये कोशिश है, इंजर खेजी का रोड ज़रूरी है, मुसखेल से N50 तक जो रास्ता है तुसर का वो ज़रूरी है। तो इन लोगों को आपके तवसुत से मैं बताना चाहता हूँ और अपने हल्के के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस PSDP से मुतमईन हैं और हमारी जद्दोजहद इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। वो कहते हैं कि अपने किरदार पर डाल कर पर्दा, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है, तो कुछ अपने गरिबान में भी इंसान को देखना चाहिए कि माजी में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। मेरा अपना जाती घर रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में है, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ छुट्टी के टाइम पर होती थी बचपन से आने जाने में,
मगर इस गवर्नमेंट में जाकर डबल रोड बनाए और हमारे लिए आसानी बनी है। और कोयटा के रोड, कोयटा के जो ब्रिज और कोयटा की खूबसूरती के लिए जो काम है, मेरे ख्याल से वो किसी से भी छुपे नहीं है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों का ये हक बनता है हम लोगों पर उंगली उठाना, मगर इस बात की मैं वजाहत करूं कि कम से कम हमारे इलाके के लोगों को गलत बयानी करके उनको मायूसी की तरफ न ले जाया जाए। आखिर में जाम साहब का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। जी शुक्रिया।